मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की अवधि में हम लोगों ने यात्रा एक रात के पाठ से जो प्रश्नोत्तरों को देख रहे थे उसमें हमने हिंदी पर्याय शब्दों को लिखे थे, देखे थे। आज की अवधि में जो आठवां प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, दो दो समानार्थी शब्द लिखना है हमें। ठीक है, कौन सा शब्द पहला सूरज है, सूरज के और दो क्या पर्यायवाची शब्द है, देखिए सूरज को और क्या क्या कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं और रवि भी कहते हैं, उसके साथ भास्कर भी कहते हैं। ठीक है, आगे कौन सा शब्द है, हवा, हवा यानी कि हवा के पर्यायवाची क्या है, वायु, हवा को वायु भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और एक पवन, पवन भी इस तरह कह सकते हैं, हवा को पवन वायु इस तरह कहते हैं। आगे कौन सा है, गरीब, गरीब का क्या है पर्याय शब्द, अकिंचन, अकिंचन और निर्धन। आगे कौन सा शब्द है, घर, घर को क्या कहते हैं, गृह कहते हैं, आवास कहते हैं और मकान भी कहते हैं। अगला शब्द कौन सा है, राह, राह यानी कि इसका पर्यायवाची है रास्ता, रास्ता और पथ, पथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स, कौन सा शब्द, विशाल, विशाल का अपोजिट क्या है, क्षुद्र, क्षुद्र या संकीर्ण भी कहा जाता है। आगे कौन सा है, दयालु, दयालु का क्या है अपोजिट वर्ड, विरोधाभास शब्द दयालु का जो है क्रूर, क्रूर कहते हैं उसका अपोजिट। आगे कौन सा है, गरीब, गरीब का जो अपोजिट हो क्या है, अमीर, अमीर कहते हैं। आगे अमृत, अमृत का क्या है, विष। ठीक है, वृद्ध, आगे कौन सा है, वृद्ध है, वृद्ध का क्या कहते हैं, बालक, वृद्ध का अपोजिट बालक। आगे कौन सा है, पवित्र, पवित्र का अपोजिट क्या है, अपवित्र। एक क्या हो गए, सभी विलोम शब्दों के, इन सभी शब्दों के विलोम शब्द हो गए। ठीक है, आगे जो दसवां वो क्या है, मुहावरों से संबंधित है, क्या कर रहे हैं, मुहावरों का अर्थ लिखना है और उनसे वाक्य भी बनाने हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुहावरों को दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, नीचे वहां पे दिए गए मुहावरों को दिया गया है। पहला कौन सा है, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना यानी कि उसका अर्थ क्या है, धोखा देना। उससे हम कैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, फल वाले ने मेरे चांटे हुए फलों की थैली के बजाय वहां पे क्या किए, सड़े फलों की थैली मुझे दे दी, मुझे देकर मेरे आंखों में धूल झोंक दी। क्या किया है, फल बेचने वाला अच्छे फलों को देने के बजाय सड़े हुए फल देकर मेरे आंखों में धूल झोंक दी, इस तरह इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला कौन सा है, बाएं हाथ का खेल, इसका अर्थ क्या है, बहुत आसान कार्य, बाएं हाथ का खेल इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत आसान कार्य। इसको क्या कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, गणित के सवाल हल करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, आगे कौन सा है, लोहा मानना, लोहा मानना यानी कि अधीनता स्वीकार करना, अधीनता दूसरों के जो पावर होते हैं उसको स्वीकार करना, इसका कैसे कर सकते हो वाक्य, सिकंदर आखिर महाराज परु की वीरता का लोहा मान गया। क्या है वहां पे, सिकंदर, सिकंदर आखिर महाराज परु की वीरता का लोहा मान गया। ये कौन सा शब्द है, पैरों तले से जमीन खिसकना, पैरों तले से जमीन खिसकना, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ घबरा जाना, कि घबरा जाना यानी कि बच्चे घबरा जाना, वो क्या है, घबरा जाना। क्या वहां पे सैडनेस कैसे कर सकते हैं, बच्चे बाजार गए हुए थे, शहर में दंगे की खबर सुनते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, इस तरह इसको
वाक्य कर सकते हैं। आगे कौन सा है? आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि इस महावाक्य का अर्थ है असंभव कार्य करना, जो असंभव होता है उस कार्य को करना, आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि उसको कैसे कर सकते हैं? मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजकर भारत ने सचमुच आकाश के तारे तोड़ने का प्रयास किया। इस तरह इसको वाक्य में किया जा सकता है। ठीक है, आज इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और व्याकरण भाग कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज इतना काफी है, कल की अवधि में नया लेसन को हम देखेंगे। ओके, धन्यवाद।